सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। बहुत दिन से कमेंट आए थे कि हनी कहाँ पर है। एक मंथ पहले हनी चली गई थी दीदी के गांव। तो आज है गोवर्धन पूजा और कल नहीं परसों भाई दूज है। तो भाई दूज मनाने के लिए मैं जा रहा हूँ दीदी के गांव। तो वहाँ पर जाके आपको हनी से मिलाते हैं। मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है, अब बस मैं निकलने ही वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको सीधा बाहर। गाइस मेरे दोस्त आ चुका है, अब हम लोग जाने वाले हैं बस स्टेशन। तो मिलते हैं आपको वहाँ पे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल भराने। हमारी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम है। सचिन अभी पेट्रोल भरा रहा है। हम लोग आ चुके हैं बस अड्डे। अब भाई को करते हैं बाय बाय। चलते हैं अब डेस्टिनेशन पे। मिलते हैं आपको सीधा बस में। हम लोग बैठ चुके हैं बस में और सचिन जा चुका है। ये रही हमारी बस। तो 15-20 मिनट में हमारी बस भी निकल जाएगी। और एक्साइटमेंट हो रही है कि आज मनी से मिलने जा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद, 20 दिन बाद ऑलमोस्ट मैं मिलने जा रहा हूँ मनी से। मिलाते हैं आपको। तो यहाँ पर मैं बस से उतर जाता हूँ। गाइस हम लोग आ चुके थे आजमगढ़। अब क्या कहते हैं, भूख लग रही थी तो इसलिए मैं एग रोल बनवा रहा हूँ। गाइस 5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग आप पहुँच चुके हैं गांव में। और थोड़ी देर में हमको कोई लेने आ रहा है। आते हैं मिलाते हैं फिर आप लोग को गांव में चल के। हरी से मिलाते हैं। हेलो गाइस, आ गए हनी के घर। हनी हनी ये भौंकने लगी क्यों हनी? अरे भैया ठीक है आ गए। अरे बाप रे। अरे तो यहाँ पर हनी बहुत ही मजे से चिकन फीट खा रही होती है। बस देखा आपको मेरी हनी कैसे ही रोने लगी थी। पहले तो मुझे वो पहचान नहीं पाई, फिर उसके बाद आकर जब सूंघा उसने तो फिर ये मुझे पहचान पाई। फिर ये बहुत ज़्यादा रोने लगी। बाबू बाहर थे तुम कितने दिन से, दूर थे। सो आपको एंड करता हूँ मैं ऐसे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले गुड बाय।